अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज फिर कुछ नया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह ये व्लॉग भी पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम आए इस्लामाबाद F9 पार्क। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी हो रही है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं और जाकर देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और आपके साथ सब शेयर करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं मेन वेन्यू पर जहां पर ये इवेंट हो रहा था और इस पैराग्लाइडिंग के इवेंट को ट्रिब्यूट किया गया था अली सतपारा के लिए, जिनको अभी अभी हमने खोया है। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पैराग्लाइडिंग हो रही है और हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके लिए। और मैं भी ये फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ लाइव, इससे पहले मैंने भी खुद नहीं देखी हुई। तो आइए साथ मिलके एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पैराग्लाइडर हैं जो कि उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए हम कैप्चर करते हैं इनका छोटा सा एयरक्राफ्ट। आप पीछे से देखिए, एक बड़ा सा फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन बहुत तेज़ी से घूमता है और ये जो ऊपर वाले विंग्स हैं, ये दो विंग्स होते हैं बड़े से, और ये सबको कह रहे थे कि करीब से हट जाएं क्योंकि किसी को लग गया तो डेथ भी खुदा ना खास्ता हो सकती है। हमारे सरों के ऊपर से पैराग्लाइडर्स चूम करके उड़ रहे थे और हमारी एक्साइटमेंट जो है वो दुबाला हो रही थी। हम सब ऊपर से नज़रें नहीं हटा पा रहे थे और इनकी हिम्मत है और इतने मज़े से ये पैराशूट को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सालों की प्रैक्टिस इनकी से जुड़ी होती है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंज़र है। और हम लोग और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं शोर मचा रहे थे और खुश हो रहे थे देखकर। एक्साइटमेंट में हमारी जो है चीखें निकल रही थी जब हमारे सर पे से ये निकलता था और जब ये माउंटेंस के पास जाता था। बहुत दूर दूर ये लेकर जा रहे थे और आप देख सकते हैं कितनी महारत से ये जो पैराशूट है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। देखते ही देखते ये पैराग्लाइडर्स हमारी नज़रों से ओझल हो जाते थे और बहुत दूर निकल जाते थे, कभी किसी बादल के पीछे, कभी किसी दरख्त के पीछे और कभी किसी माउंटेंस की तरफ। ये पार्क जो है ये मार्गला हिल्स के करीब बना हुआ है। मार्गला हिल्स में खो जाते थे ये जाकर और फिर अचानक से किसी कोने से, किसी बादल के पीछे से वापस नज़र आते थे। तो जो हमारी एक्साइटमेंट है वो दोबारा से उसको एक एनर्जी बूस्टर मिलता था। ये देखिए, ये देख रहे थे कि नीचे से हम इनको कैप्चर कर रहे हैं तो एक ज़बरदस्त मूव और टर्न ये भी लेंगे। वाओ, ज़बरदस्त, आप ये देख सकते हैं क्या टर्न लिया है इन्होंने, ज़बरदस्त। बहुत इन्जॉय किया था हमने इनका ये टर्न। और साकिब जो है, ये जो सीन है साकिब ने कैप्चर किया था और वो कह रहे थे कि देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और वाकई ये आम बंदे का काम नहीं है, ये बस यही कर सकते हैं जिन्होंने सालों इस पे मेहनत की हो और इनकी प्रैक्टिस हो। तो बहुत मेहनती और बहुत हुनरमंद लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। टैलेंट की यहाँ पर भी कोई कमी नहीं, लेकिन अफसोस है कि हमारा मीडिया सिर्फ पाकिस्तान की बुराइयाँ दुनिया को दिखाता है और ये अच्छाइयाँ दिखाना भूल जाता है। ये एक और पैराग्लाइडर को आप तेज़ी से ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, एकदम से ये जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मज़ा आ रहा था इसको लाइव देखने में। लोगों का एक जमे गफीर था, आप देख सकते हैं कितना क्राउडेड हुआ हुआ है इस वक्त ये पार्क। ये सब पैराग्लाइडिंग देखने आए थे। इस्लामाबाद की बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी और आसपास पे जो छोटे छोटे विलेजेस बने हुए हैं और छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं, वहाँ से भी फैमिलीज़ आई हुई थी अपने बच्चों को ये दिखाने। ये देखें कितनी तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है और इनके साथ यहाँ पे जो लोग आए हुए थे वो पे करके 750 ईच चार्जेस थे। आप इनके साथ पीछे बैठकर ऊपर जा भी सकते थे। तो मेरे साथ तो मूसा था तो पॉसिबल नहीं था।
ये एक और खूबसूरत उड़ान आप देख सकते हैं, और देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, दरख्तों के बीच में से बादलों के नीचे से उड़ता हुआ जा रहा था और बहुत खूबसूरत व्यू दे रहा था। ये देखें एक क्राफ्ट जो है ये अब नीचे की तरफ आ रहा है, ये लैंड होने लगा है, इसको भी मैंने कैप्चर किया है और आपको दिखाती हूँ कि ये वापस आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये अब नीचे उतरेगा, और सब लोग साइडों पे हो जाते थे जब कोई क्राफ्ट नीचे लैंड करने लगता था। मेरा भी दिल कर रहा था कि साकिब भी बैठ के जाएं और एक राउंड लगा कर आएँ और मैं उसको कैप्चर करूँ। मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म का, लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सभी खुश हो रहे हैं देख के। और मुझे इस्लामाबाद में काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ देख रही हूँ। और मैं साकिब को कह रही हूँ जाएं, साकिब मान नहीं रहे मेरी बात, साकिब लोग जा रहे हैं इनके पीछे बैठ कर ना, तो मैं साकिब को कह रही हूँ आप ट्राई करें जाएँ, सुनते ही नहीं है। जाएंगे नहीं क्यों? जैसे ही कोई क्राफ्ट उड़ता था मूसा ज़ोर ज़ोर से चीखे मारना शुरू कर देता था, मामा मामा बाबा बाबा, उससे जो है अपने जज्बात काबू नहीं होते थे, वो पहली बार ऐसी कोई चीज़ देख रहा था। और ये देखें ये एक और पैराग्लाइडर जो है ये आसमान की तरफ जा रहा था, और ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाया है और आप ये देख सकते हैं कि दूसरा भी क्राफ्ट इसके पीछे जाने लगा है और लोग भी साथ बैठ कर जा रहे थे। ये बहुत मज़े की चीज़ थी और लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, इनके साथ बैठ बैठ कर जा रहे थे। हमने भी टिकट लेने की कोशिश की लेकिन बुकिंग इतनी ओवरलोडेड थी उनके पास कि वो अब बुकिंग क्लोज़ कर चुके थे और किसी को भी बुक नहीं कर रहे थे। चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, 750 चार्जेस थे ईच पर्सन, और ऊपर की सैर करके आ रहे थे। हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, वो ख़त्म हो गई है हॉर्स राइडिंग परेड। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी और बच्चे थोड़े उदास हुए हुए थे कि हम में से किसी ने भी राइड नहीं ली इस एयरक्राफ्ट की, तो बच्चे जो हैं यहाँ पर थोड़ी सी उनकी पिक्चर्स वगैरह हमने ली, और तीनों बहन भाई बड़े मज़े से बैठे हुए थे और ये वीडियो भी ऐसे बनवाते हैं जैसे पिक्चर्स ली जाती हैं। बच्चे हैं तो बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाते हैं कि मामा हमारी पिक्चर्स ले रही हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपसे लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।